नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार की सियासत में क्या एक बार फिर से बड़ा खेला हो सकता है? चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग पर भले ही बिहार एनडीए के बीच अभी तक बात फाइनल नहीं हुई हो, लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब देखने के लिए मिल रहा है कि बगावती तेवर धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ललन सिंह जो है उन्हें लेकर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और असमंजस की स्थिति ललन सिंह को लेकर लगातार बनी हुई है, क्योंकि यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि ललन सिंह को लेकर बार बार राजनीतिक गलियारों में यही दावे किए जा रहे हैं कि क्या ललन सिंह बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर वो फंसा हुआ पेच। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इन दोनों ही सूची में बिहार को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह बताया जा रहा था एनडीए में शामिल सहयोगी दलों की मांगे। दरअसल देखने के लिए मिला कि यहां पर जेडीयू हो चाहे लोजपा हो या फिर यहाँ पर चाहे अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम जो निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं वे अपनी मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे कैबिनेट को लेकर हो चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो। खास तौर पर देखने के लिए मिला कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पशुपति नाथ पारस बात करते हुए सीटों को लेकर नजर आ रहे थे, मांग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मांगे पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे सभी को मनाने की कोशिश की गई और सीटों पर बात फाइनल होती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन फिर भी यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच अभी भी पेंच फंसा हुआ है। मांग की जा रही है यहां पर लगभग 16 से 17 सीटों की जेडीयू की तरफ से, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी यहां पर महज 15 सीटें ही जेडीयू को देती हुई नजर आ सकती है। अगर कड़े मशक्कत के बाद नीतीश को यहां पर 16 से 17 सीटें दे भी दी जाती हैं तो मुंगेर सीट पर अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस बार बिहार में जो मुंगेर सीट है उसे बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। इस सीट से फिलहाल ललन सिंह मौजूदा सांसद है और अगर ऐसा होता है तो क्या ललन सिंह एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? ललन सिंह जिनके हाथ से पहले ही जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जा चुका है, अगर उनके हाथों से उनकी सदस्य सीट भी चली जाती है तो क्या वो तब भी इस गठबंधन में शामिल रहेंगे? क्योंकि बार बार देखने के लिए मिल रहा है सिंह की बगावत की खबरें बिहार की सियासत में तूल पकड़ती हुई नजर। कुछ समय पहले देखने के लिए भी मिला कि जब सीट शेयरिंग को लेकर सवाल ललन सिंह से पूछा जाता है तो वो किस तरह से सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, उनकी चुप पे कई तरह के कयास यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है। क्या ललन सिंह भी चीज को जानते हैं कि शायद मुंगेर सीट पर लगातार खतरा बना हुआ है और पर्दे के पीछे वो कोई अलग ही यहां पर तैयारी कर रहे हैं? माना तो ये भी जा रहा है कि अगर मुंगेर सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवार को आगे करती है तो शायद यहां पर ललन सिंह बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुंगेर सीट को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसीलिए ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं जो फिलहाल कयास ही हैं। इंतजार रहेगा कि क्या अगली सूची में यहां पर बिहार को शामिल करती हुई बीजेपी नजर आती है या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। और क्या इस सीट पर एक बार फिर से ललन सिंह को ही आगे करता हुआ एनडीए नजर आएगा या नहीं, यह भी देखना काफी अहम रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगली सूची ही इस बात को तय करेगी कि ललन सिंह एनडीए के साथ रहेंगे या फिर एनडीए के खिलाफ। हालांकि आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।